भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए एक रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री शोबिज होते हुए नुकसान का कारोबार। उनकी वीडियोस तस्वीर आपने देखा होगा, एक बार फिर से सोशल मीडिया पे बकायदा गर्दिश कर रही हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि उस मूवी के सॉन्ग को दिया गया, जिस सॉन्ग के बाद आने के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मुझे फख्र है अपने मुल्क के ऊपर। और सेस के जा रहे मुजरा को, ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास है मुतासरीन का। इंडियन सिनेमा की बात करें सो दे हैव ऑल दीस मूवीज एंड ड्रामास गोइंग ऑन, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से ऑफ कोर्स वहां पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं जितने एक्टर्स हैं। काफिर कंट्रीज है ना, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ मुंह धोकर, और बल्कि नहा धोकर, और इस्लामिक कंट्रीज की तरह देख ही नहीं रहे उनके। भाई जाओ वहां पे, वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री या हबीबी हैया हैया। थैंक यू एकेडमी, आई ग्रू अप लिसनिंग टू द कारपेंटर्स एंड नाउ हियर आई एम विद द ऑस्कर्स। आरआरआर हैज टू विन प्राइड ऑफ एवरी इंडियन। पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया को फर्स्ट टाइम मिला ये अवार्ड, और आरआर मूवी ने निकाल कर दिया, उसके सॉन्ग ने पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा वायरल हुआ। और जब ये अवार्ड उनको मिला तो नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आई प्राउड टू बी इंडियन, मुझे फख्र अपने बॉलीवुड जो कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री उन पर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र मोदी को इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए। और आप बॉलीवुड की बात करें, वो दरअसल आर 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 जो है वो टॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड के अंदर, हालांकि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और भी मतलब जितने भी खान इंडस्ट्री है सारी है, लेकिन उनसे भी वो चीज़ नहीं हासिल की गई जो आर 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 ने हासिल किया। उसके बाद जो गाने की बात करें, वो मैं 15-20 बार सुन चुका हूँ, उसके बाद स्टेप्स करने की कोशिश किया लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकते। और बड़ी जबरदस्त बेहतरीन किस्म की मूवी बनाई है, ऑलमोस्ट वो 2500 करोड़ से ऊपर कमा भी चुकी है। और अब आने वाले दौर में मे बी नेक्स्ट मंथ या मे बी 2 महीने बाद मार्च या अप्रैल के अंदर ऑस्कर अवार्ड भी आ रहा है, आपने सुना होगा, उस ऑस्कर में मे बी KGF Chapter 2 को मिल जाए। मे बी आर आर भी काफी सुपर डुपर हिट।